बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी कर रहे थे। सो ह्यूमन स्केलेटन इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन स्केलेटन का इंट्रोडक्शन किया था और फिर इसमें एक्सल स्केलेटन पढ़ा था अगर आपको याद हो। एक्सल स्केलेटन में क्या क्या आता था? स्कल, ठीक है, ये पिछले लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके हैं। सही, और रिब्स आती थी एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एरी, ये हम तीन चीजें जिसे पढ़ चुके, स्कल, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये किस में आते थे? एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि टोटल स्केलेटन में बोन्स कितनी होती है। टोटल बोन्स जो अडल्ट के अंदर थी वो 206 थी, और जबकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न, उसके अंदर कितनी बोन्स थी बोला? 270 बोन्स थी। सही, सो ये भी हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था हमने। तो यानी एक्सल स्केलेटन हमारा हो चुका है टॉपिक। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में इनके अलावा सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें मसलन ये, इसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सारी लिम्ब है जिसे हम फोर लिम्ब कहते हैं, यानी सामने वाली लिम्ब, बाजू, ठीक है। फिर ये हैंड है, हैंड्स, सही। इसके अलावा ये जो सा है ज्वाइंट, ये पेल्विक गर्डल कहलाता है, पेल्विक गर्डल, सही। और ये जो कह लें कि टांग होती है, जिसे हम अमूमन टांग कहते हैं, सो ये हमारी कह लें कि हाइंड लिम्ब होगी एक किस्म की, सही। सो इसमें नीचे जो स्ट्रक्चर से फुट पाँव कहते हैं, सही। और फिर इनके दरमियान ज्वाइंट्स होते हैं, मसलन ये नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट, सही, और ये एल्बो ज्वाइंट होता है, सही। मैं यहाँ पे चले जाऊँ, इट इज एल्बो ज्वाइंट, सही। तो शुरू में मैं सारे नाम बता दिए हैं, हम आहिस्ता से इन सबको स्टडी करेंगे, लेकिन इनको मजीद डिटेल में जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि लाइक ये हम वही जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे आपको लगता है फिगर्स नजर आ रही होगी, सही, कि मसलन ये एक्सियल स्केलेटन है, दिस इज एक्सियल स्केलेटन जिसमें स्कल आ रही है, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम है, और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसके अंदर ये पेल्विक गर्डल है, सॉरी ये पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, बीच में ये लिम्ब्स, हैंड्स और फुट वगैरह आ रहे हैं, सही। अच्छा, इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए, प्रोक्सिमल किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोक्सिमल, और डिस्टल किसे कहते हैं। प्रोक्सिमल कहते हैं समथिंग नियर, कि जो कोई चीज करीब हो उसे हम प्रोक्सिमल कहेंगे, जो आपकी विसिनिटी के अंदर हो, विसिनिटी से मुराद नहीं आपके नेबर में हो, आपके जिस तरह आपके पड़ोसी होते हैं, ठीक है। डिस्टल कहते हैं दूर को, ठीक है, समथिंग फार, ठीक है, कोई चीज दूर हो, सही। मसलन आप कहें जी कि आपका जो अली दोस्त है, ठीक है, जो फ्रेंड है वो आपके घर के करीब रहता है, जबकि जो स्कूल है वो आप कहेंगे जी के फॉर एग्जाम्पल दूसरे सिटी के अंदर, मसलन आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद पढ़ने जाते हैं, सही, सो वो डिस्टल कहलाएगा, जबकि आपके दोस्त का जो सा घर है, फ्रेंड्स हाउस कर देते हैं यहाँ पे, चले फ्रेंड्स हाउस, वो आपके घर के साथ है, सो फ्रेंड्स हाउस जो सा वो प्रोक्सिमल है, और जबकि स्कूल जो सा वो डिस्टल है, सही। ये अगर हम इस मॉडल के अंदर देखें, इस मॉडल के अंदर मसलन ये जो हैंड है विद रिस्पेक्ट टू स्कल, ठीक है, हम स्कल के हिसाब से देखते हैं, तो जो हैंड होगा ये अवे फ्रॉम द स्कल है, तो इट मीन्स इट इज डिस्टल, ठीक, और जबकि गर्डल जो सा ये टूवर्ड्स स्कल है, सो ये क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमल, सही। सो किसी भी सेंटर के अगर कोई चीज करीब होगी उसे हम प्रोक्सिमल कहेंगे, अगर वो उससे दूर होगी उसे डिस्टल कहेंगे, सही। सो ये प्रोक्सिमल और डिस्टल का कंसेप्ट आपको स्केलेटन की स्टडी करने से पहले पता होना चाहिए। सो ये हमने पहले ही सारा कुछ डिफरेंशिएट कर लिया था, मतलब स्कल, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ गए, जबकि पेक्टोरल गर्डल, फिर फोर लिम्ब्स, हैंड, पेल्विक गर्डल, हाइंड लिम्ब और फुट, ये सारे किस्में आ जाएंगे आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में, सही। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल से, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम्ब और हैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं अलग से। सो ये भी आपको नजर आ रहा है कंपैरिजन है, ठीक है, जो मैं ऊपर ड्रा किया था ये सब चीज इनकी क्या डिटेल्स लिखी हुई है, मतलब स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और इसमें कोक्सिक बोन्स भी वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होते हैं, सो ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं,
सही। और जो के ये क्लेविकल स्कैपुला, ये क्लेविकल स्कैपुला हिमर्सिन, ये सारे के सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। सही। सो हमने पेल्विक गर्डल पहले स्टडी करना है, सॉरी पेल्विक आ गया, पेक्टोरल गर्डल। तो ये पेक्टोरल गर्डल बना हुआ है। सही, दिस इज पेक्टोरल, जिसे आप कंधा भी कह सकते हैं। सही, दिस इज पेक्टोरल गर्डल। सही। इसमें अगर आप देखें तो क्लेविकल है, ये आपको हड्डी नजर आ रही है, हंसले की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। और फिर एक कंधे की हड्डी जिसे स्कैपुला कहते हैं, इसके साथ बाज का सुपर स्कैपुला होता है, सुपरा स्कैपुला, सुपरा स्कैपुला भी इसके अंदर शामिल होता है। सही, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। इसके बाद ये जो सा है, ये बॉल एंड साकेट जॉइंट कहलाता है, शोल्डर जॉइंट से कहेंगे वैसे, चलें इसे हम फिलहाल शोल्डर जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये आपके कंधे पे होता है, सोच शोल्डर जॉइंट। और ये जो सा है, ये एल्बो जॉइंट होता है, जिसे आप कोनी कहते हैं उर्दू में, एल्बो जॉइंट। और ये बीच में ह्यूमरस की हड्डी है। सही। फिर नीचे आए तो आपके बाजू में अल्ना और रेडियस, दो हड्डियां होती हैं। सही। और जिनके आगे जाके ये हैंड आता है। सही, ये सारा का सारा क्या है, हैंड। सो पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या चीजें शामिल होगी, एक तो क्लेविकल है, ठीक है, जो कि आपको सामने नजर भी आती है हड्डी, ठीक है, अक्सर देखने में। स्कैपुला जो कि कंधे की हड्डी है, आप हिला के देख सकते हैं बेशक। शोल्डर जॉइंट्स हैं, जिसके साथ पूरा बाजू आपका शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है। एल्बो जॉइंट्स, जो आपका कोनी का जॉइंट है। और फिर इसमें ये बोन्स, मसलन जो शोल्डर जॉइंट्स लेकर एल्बो जॉइंट तक जो बोन है, इसे ह्यूमरस कहते हैं। और एल्बो जॉइंट से आगे हैंड तक जो दो बोन्स है, उसमें रेडियस है और एक अल्ना है। सही। और हैंड के अंदर कार्पस, मेटाकार्पस और फ्रेंजेस आते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम हैंड का स्ट्रक्चर लैटिस देख लेते हैं। सही, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये फ्रेंजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको डिस्टल नजर आ रहे हैं जो दूर है, ये मिडल में है और ये प्रोक्सिमल है। ठीक, यानी ये जो चीज दूर है उसे डिस्टल कहा गया, जो करीब है उसे प्रोक्सिमल कहा गया। सही, वही कंसेप्ट जो हमने शुरू में पढ़ा था। और इसमें फ्लेंजेस है, और ये फ्लेंजेस अगर आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फ्लेंजेस होती है। सही। और इसी तरह अगर मेटाकार्पस देखें, 1, 2, 3, 4, 5 है, सिंपल। और जो कार्पल्स हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, स्कैफॉइड, कैपिटेट, हेमाटेट, फिसिफॉर्म, ट्रैक्यूट्रम, यूनेट। सही। सो खैर आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि कार्पल्स होते हैं, रिस्ट बोन्स कहते हैं इसे, हम दूसरा क्या नाम है इन्हें, रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। सही। और ये कितने होंगे नंबर्स में, 8 होंगे नंबर्स के अंदर। सही। और ये पीछे उसके रेडियस और अल्ना आ रहा है, जो आपको ऊपर नजर आ रही है, ठीक है, वो रेडियस और अल्ना ये पीछे से क्या लेंगे, एल्बो जॉइंट से आ रहा है। सो ये हो गया हमारा पेक्टोरल गर्डल। सही। अब हम स्टडी करते हैं पेल्विक। सो पेक्टोरल गर्डल की तरफ आते हैं। सो पेक्टोरल गर्डल नीचे वाले हिस्से में होता है, ठीक है, आपके पेल्विक रीजन जिसे कहते हैं, और ये आपको नजर आ रहा है। सो पेक्टोरल गर्डल के अंदर, मसलन ये पेक्टोरल गर्डल है, दिस इज आवर टारगेट पेक्टोरल गर्डल। सही। और गर्डल ये आपको, दोनों गर्डल के अंदर एक चीज कॉमन है, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने वर्टिब्रल कॉलम स्टडी किया था, तो हमने कहा था वर्टिब्रल कॉलम मेन हड्डी है आपकी, ठीक है, मेन बोन है, जो कि पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो पूरी बॉडी कह सकते हैं, बेशक गर्डल्स वगैरह मौजूद रहे, लेकिन ये इंसान या कह लें कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। सही। सो पेक्टोरल गर्डल के अंदर एक तो ये पेल्विक बोन है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है भला, दिस वन इज पेल्विक बोन। और पेल्विक बोन के अंदर अगर आप देखें तो इसमें इलियक बोन है, इलियम है, प्यूबिक बोन है, इस्कियम है, प्यूबिक आर्च है बीच में जहाँ पे ये सिम्फिसिस बना रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कोक्सिक्स और सैक्रम बोन भी फ्यूज होती हैं। सही। सो जो पेल्विक बोन है, एक्चुअली इट इज अ फ्यूज्ड बोन। सो इस फ्यूज बोन के अंदर दो कॉक्सल बोन होती है, ठीक है, अगर हम इसे सेंटर से सेपरेट करें ना, सो एक ये इस तरफ कॉक्सल बोन हो जाएगी, एक इस तरफ कॉक्सल बोन है, ठीक है। कॉक्सल बोन के अंदर मजीद दो आ रही हैं, ठीक है, एक इलियम है, देन प्यूबिक और फिर इस्कियम है, ठीक है। सो इलियम, प्यूबिक, इस्कियम, ये फ्यूज बोन्स हैं जो कि कॉक्सल्स बोन बनाएगी, और इसके अंदर दो कॉक्सल्स बोन होती हैं, दो कॉक्सल बोन्स। सही, के यानी फ्यूज्ड बोन है किस चीज की, दो कॉक्सल बोन्स की, और कॉक्सल बोन्स जो है इन तीनों से
बनी होती है. सही. सो ये हो गया पेल्विक बोन्स के हिसाब से. तो उसके बाद हम देखते हैं नीचे जो फुट का स्ट्रक्चर है. सो यानी इसमें, अच्छा इसमें एक चीज मिस कर रहा हूँ मैं कि ये पेल्विक गर्डल है, गर्डल के नीचे फिर ये लिम्ब स्टार्ट होगी. ठीक है, इससे हम हाइंड लिम्ब्स कह रहे थे. इसके अंदर ये वाली जो सी बोन है इसे फीमर कहते हैं. फीमर जो के पेल्विक गर्डल के पास, यहाँ पे जोन सा है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जोन सा है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही होती है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सही. और फिर फीमर जोन सा जब नीचे आती है, ठीक है, और ये आगे मजीद दो बोन्स के साथ जुड़ी हुई है जिसके अंदर ये बड़ी वाली जो सी मोटी कह लें, ये जो सा है कहलाती है टिबिया. सही. और ये जो साइड पे छोटी सी बोन आपको नजर आ रही है, पतली सी है, छोटी नहीं है, लंबाई सेम है तकरीबन, ये जो सी है फिब्यूला कहलाती है. फिब्यूला. सही. और फीमर और टिबिया के साथ एक और कह लेंगे ज्वाइंट बनता है जो कि हिंज ज्वाइंट है. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हिंज ज्वाइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होते हैं. सो इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो फीमर है वो पेक्टोरल गर्डल के साथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रही है, जबकि फीमर और टिबिया का आपस में हिंज ज्वाइंट डेवलप हो रहा है. ठीक है. सो ये हाइंड लिम्ब है, उसके नीचे ये फुट आ जाता है. सो दिस वन इज फुट. सो फुट का स्ट्रक्चर हमने लेदर से बनाया हुआ, ये आपको फुट नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये पर कैल्किनियस है, टेलस है, नॉर्क्यूलर, ये जो से ये टार्सल्स हैं. ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने रिस्ट बोन्स पढ़ी थी ना वो कार्पल से, सही, ये टार्सल्स कहलाते हैं जो कि कह लेंगे आपके पाँव का हिस्सा होते हैं. ठीक है, ये यानी ये पाँव के अंदर मौजूद होते हैं. इसके अलावा फिर इसमें ये मेटा टार्सल्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, फिर आखिर में फ्लैंजेस हैं. ठीक है, सो वही हिसाब किताब होता है कि टार्सल्स 8 इन नंबर्स होते हैं. ठीक है, मेटा टार्सल्स 5 इन नंबर्स होंगे, फ्लैंजेस 14 इन नंबर्स होंगे. ठीक है, सो इसमें डिस्टल जो दूर वाली होंगी उसे डिस्टल कहेंगे और जो करीब वाली होंगी वो प्रॉक्सिमल होंगी. सही. सो और बीच वाली मिडिल कह दिया जाता है. सही. सो ये आगे टार्सल्स बोन के भी नाम्स यहाँ पे शामिल आपको नजर आ रहा है, जिसमें क्यूनिफॉर्म है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है, फिर नेविकुलर है, टेलस है, लेटरल क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड है और कैल्किनियस. सही. सो ये बोन्स हो जाएंगी किसकी वाला, फुट की. सो यहाँ पे हमारे दोनों यानी क्या लगे अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने पेल्विक गर्डल और फोर लिम्ब स्टडी की शुरू में, और फिर हमने पेक्टोरल गर्डल शुरू में, सॉरी पेक्टोरल पढ़ा था, और यार ये पेक्टोरल लिख दिया मैंने, सॉरी ये पेक्टोरल नहीं है, ये पेल्विक गर्डल है, सॉरी सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने, पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल तो पहले हम पढ़ चुके हैं, गर्डल. सही. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. सो ये पेल्विक बोन थी जिसकी फ्यूज बोन हमने कहा जी कॉक्सस बोन्स होती हैं, इलियम प्यूबिक इसके हम से. सो ये खैर ये अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कंप्लीट होता है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं जॉइंट्स के बारे में. सो जॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर जॉइंट्स. सो जॉइंट्स कह लें कि वो स्ट्रक्चर है जब जहाँ पे बोन्स मीट होती है. ठीक है, यानी व्हेन बोन्स मीट, के जब बोन्स मीटिंग करती हैं तो वहां पे जॉइंट होता है. मसलन ऊपर हम पढ़ चुके हैं लाइक जहां जहां बोन मीट कर रही है, मसलन ये और ये आपस में जॉइंट बनाएगा, ये और ये आपस में जॉइंट बनाएंगे, ये आपस में जॉइंट, फिर इनका आपस में जॉइंट्स. सो जहां जहां बोन्स मीट करेंगी वहां वहां जॉइंट्स बनेंगे. सही. ये मैं रेड रीड कर देता हूँ, ये जॉइंट्स हैं, ये भी जॉइंट, ये भी जॉइंट. सो यानी ईच एवरी बोन इज लिंक्ड विद अदर बोन थ्रू अ जॉइंट्स. सो जो लिंकेज बीच में बनती है उसे हम जॉइंट्स का नाम देते हैं. व्हेन बोन्स मीट जॉइंट इज फॉर्म. ठीक है, वहां पे क्या बन जाएगा, जॉइंट्स. सो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दो किस्म के जॉइंट्स हैं, मतलब बॉल एंड सॉकेट का थोड़ा सा एग्जांपल दिया हमने कि फीमर जो है वो पेल्विक गर्डल के साथ जुड़ा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह, और एक हिंज जॉइंट है जो कि फीमर और टिबिया के दरमियान होता है. सही. अब हम जॉइंट्स की जरा क्लासिफिकेशन पे आते हैं. सो जॉइंट्स को मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, क्योंकि जॉइंट सिर्फ बोन्स कनेक्ट नहीं करते बल्कि बोन्स के दरमियान मूवमेंट को भी बाइस बनते हैं. सो मूवमेंट के हिसाब से तीन के अंदर डिवाइड किया जाता है. सही. एक है इसके अंदर इमूवेबल ज्वाइंट के, बिल्कुल जो मूव ही नहीं कर सकते. फिर एक आ जाएगा इसके अंदर स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स. सही. और फिर एक फ्रीली मूवेबल होंगे, फ्रीली
मूवेबल ज्वाइंट के जो फ्रीली हरकत कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं होगी। सो अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं, मसल इमूवेबल ज्वाइंट की आपको मैं क्या एग्जांपल दूँ, मसल जो हमने स्कल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो स्कल के अंदर जो बोन्स थी, ठीक है, जिसमें हमने टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल पढ़ी थी, सो ये जो से थे, यानी स्कल की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये जो बोन्स थी ये इमूवेबल ज्वाइंट के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है, इन्हें आप अलहदा यानी हिला नहीं सकते, सही। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स की अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल में आपके वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, के वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने वर्टिब्राए थे बोला, 33 वर्टिब्राए थे, ठीक है, 33 वर्टिब्राए, और हर वर्टिब्राए थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से आपकी कमर जो से सीधी होती है या मुड़ सकती है। वर्टिब्रल कॉलम स्लाइटली मूवेबल कह लें जॉइंट्स के अंदर आते हैं। फ्रीली मूवेबल आपका बाजू है, ठीक है, आप मसलन जो बॉल एंड साकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड साकेट ज्वाइंट, जिस तरह शोल्डर ज्वाइंट था, ठीक है, बॉल एंड साकेट ज्वाइंट की एग्जाम्पल क्या थी, शोल्डर ज्वाइंट। सो शोल्डर ज्वाइंट के जरिए आप अपने बाजू को चारों तरफ तकरीबन घुमा सकते हैं, ठीक है, तो ये फ्रीली मूवेबल की एग्जांपल में आ जाएगा। तो ये मूवमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन थी, सही। अब हम जरा स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं कि जो ज्वाइंट्स है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने हैं। सो इसमें तीन आते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, एक इसमें फाइब्रस ज्वाइंट है, ठीक है, फिर साइनोवियल ज्वाइंट और फिर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो थ्री टाइप्स बनेंगी, फाइबरस ज्वाइंट जिसके दरमियान फाइबर्स होते हैं और ये कह लें कि यानी बिल्कुल इमूवेबल बोन्स की तरह होते हैं, ठीक है, यानी अब ये मूव नहीं कर सकते। साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट्स में ये होता है कि इनके दरमियान एक कैविटी होती है, ठीक है, दो ज्वाइंट्स के दरमियान एक कैविटी, मसलन अगर यहाँ पे बनाऊँ लाइक ये एक बोन है, सही, और एक ये सेकेंड बोन है, सही। साइनोवियल ज्वाइंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक कैविटी होती है जो इसको सराउंड करता है, ठीक है, यानी इस कह लें कि ज्वाइंट्स के इर्द गिर्द एक कैविटी होगी लाइक दिस, इस तरह, इस कैविटी को साइनोवियल कैविटी कहते हैं। सो जिस ज्वाइंट के अंदर ये साइनोवियल कैविटी मौजूद होती है वो साइनोवियल ज्वाइंट्स कहलाता है। फिर कार्टिलेजनस ज्वाइंट्स है के बार दफ़ा दो बोन्स मिलती हैं, लाइक यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि दो बोन्स मिल रही हैं इस तरह, सही, और बीच में कोई कार्टिलेजन पड़ा हुआ है। अब कार्टिलेजन क्या होता था भला, आपको पीछे पढ़ चुके हम, कार्टिलेज, सो बीच में कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है, ये बोन वन है, बोन वन, ये बोन टू, ये आपस में ज्वाइंट बना, बीच में कार्टिलेज मौजूद है, तो ये कार्टिलेजनस ज्वाइंट बन जाएगा, सही। फाइब्रस ज्वाइंट्स के अंदर आपके ज्वाइंट्स द स्कल मौजूद है, एग्जांपल के अंदर अगर आप देखते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स आपका ये शोल्डर ज्वाइंट है, ठीक है, जो कि बॉल एंड साकेट जिसे हमने कहा था, और इसके अलावा कार्टिलेजनस ज्वाइंट जो है मसलन यहाँ पे जो फियन हो रही है, ठीक है, प्यूबिस इस्कियम जिसे फियन कहा था हमने पीछे, इसके अलावा इवन आपके जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी ये कह लें कार्टिलेजनस ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि स्लाइटली मूवेबल की कैटेगरी में भी डाला था अभी हमने आगे पिछले थोड़ी देर पहले, सही। सो ये कार्टिलेजन ज्वाइंट जिसके सेंटर के अंदर कार्टिलेज कुरेक्शन कर रहा होता है, सही। इसके अलावा जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट जिसके अंदर हमने कहा साइनोवियल कैविटी होगी और इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, सही। सो मूवमेंट के बेस के ऊपर साइनोवियल ज्वाइंट्स को दो के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक हिंज ज्वाइंट है, सही, और एक है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सही, हिंज ज्वाइंट है एंड सेकंड वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो हम इसी की थोड़ी डिटेल देखते हैं, मसलन ये सबसे पहले आपको हिंज नजर आ रही है, ठीक है, हिंज किसे कहते हैं, मसलन कभी दरवाजा देखा है आपने, मसलन एक रूम है, सही, सो फॉर एग्जाम्पल ये खुला हुआ है दरवाजा, रूम के अंदर ये दरवाजा खुला, सो यहाँ पे हिंजेस मौजूद होते हैं जो कि दरवाजे को अटैच करते हैं, ठीक, ये आप नोट भी कर सकते हैं, मसलन तकरीबन जो भी दरवाजे लगते हैं उनका हिंज होती है जो कि कह लें इसकी बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है, हिंज जो के कह सकते हैं दरवाजे को मूव करवा रही होती है, सही।
सो ये जो हिंजेस होते हैं जस्ट लाइक हिंज होते हैं, ठीक है, कि एक साइड इसकी इमूवेबल होती है जबकि दूसरी साइड मूव कर सकती है, मतलब इसके अंदर जो ह्यूमरस है ना वो इमूवेबल होता है, ठीक है, ये इमूव कर रहा होता है, जबकि अलना जो है वो ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इट लाइक गोज हेयर कैन गोज अपवर्ड, ठीक है, तो इसमें मसल्स होते हैं जो कि इसकी मूवमेंट को अलाउ करते हैं, बगैर इट जस्ट लुक लाइक हिंज, जिस तरह दरवाजों में या खिड़कियों में हिंज लगी होती है जो कि इसको ओपन और क्लोज करने में मदद देती है, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल क्या है, मसल एल्बो जॉइंट, ये जो जॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं इट इज एल्बो जॉइंट, सो एल्बो जॉइंट किसकी एग्जांपल में आ रहा है, हिंज जॉइंट की एग्जांपल में आ रहा है, और इसके अंदर वही साइनोवियल कैविटी होगी, यानी ये साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आता है। और अगर इसमें मूवमेंट का थोड़ा बहुत और अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसमें एक मसल की कैटेगरी होती है, लाइक वो इस तरह जुड़े होते हैं, ठीक है, ये मसल यहाँ से और यहाँ जुड़ा होगा इस बोन के साथ, ये क्या करता है इसको ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है, यानी ये इस साइड पर खींचेगा से, इस तरह एक मसल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है, ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी एक चीज इसको ओपन करेगी, ठीक है, और मसल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ लाइक दिस, सो एक चीज क्लोज कर रही है ये मसल जोन से, सही, और एक दफा ये ओपन होगा लाइक दिस, सही, सो यहाँ पे एंगल थीटा कम है और यहाँ पे एंगल थीटा ज्यादा है, सो ये बीच में हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट, सही, तो ये सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट है इसकी, और इसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जो इसको एक्सटेंड करवाएगा, एक इसको फ्लेक्सिड करवाएगा, ठीक है, एक्सटेंसर्स होते हैं और दूसरा क्या है बोला फ्लेक्सर होते हैं, ठीक है, यानी एक एक्सटेंसर मसल्स, मसल ये नीचे वाले मसल जो एक्सटेंड करवा रहे हैं ऊपर वाले से खींच कर इसका एंगल कम कर रहे हैं, सो इस तरह मूवमेंट होती है हिंज जॉइंट में या एल्बो जॉइंट जिसकी एग्जाम्पल ली, इस तरह नी जॉइंट भी इसी की एग्जाम्पल है, ठीक है, एल्बो जॉइंट के साथ साथ अनदर एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, नी जॉइंट, सही, सो ये कवर हो गया हमारा हिंज जॉइंट। अब हम चलते हैं बॉल एंड साकेट जॉइंट की तरफ, सो बॉल एंड साकेट जॉइंट कुछ इस तरह का नजर आता है, सही, इस डायग्राम को हम ले जाते हैं थोड़ा बड़ा, सही, ये आपको नजर आ रहा है, ये अब इन्होंने शोल्डर जॉइंट दिखाया हुआ है, शोल्डर जॉइंट, सही, जिसके अंदर ये ह्यूमरस है और ये अपने आप को स्कैपुला की कह लें कि एक अंदर ना कैविटी सी बनी होती है सॉकेट टाइप, सो स्कैपुला के अंदर क्या होता है एक सॉकेट सी होती है, ठीक है, और जो ह्यूमरस का हेड है इट जस्ट एक्ट लाइक अ बॉल, सही, ये एक किस्म की बॉल की तरह होता है, ठीक है, ह्यूमरस का हेड जो आगे से राउंड होता है, सो ये जो बॉल है इसकी सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है, सही, और बीच में साइनोवियल कैविटी कहलाएगी, सही है, बीच में ये क्या होगी साइनोवियल कैविटी, सही है, ये साइनोवियल जॉइंट्स के ही टाइप्स और बीच में इसकी कैविटी होगी, सो फर्क क्या होता है कि जो ह्यूमरस है इसका जो सा बोन का एंड होगा वो बॉल की तरह बना होगा और ये आगे स्कैपुला के एक सॉकेट की तरह, ठीक है, जिसका यहाँ पे नजर आ रहा है ये बॉल से स्ट्रक्चर है, दूसरा ये सॉकेट है, सो ये जो बॉल होगी इसके सॉकेट के अंदर फिक्स होगी और यहाँ पे ये 3D रोटेशन कर सकेगा, यानी तीनों डायमेंशन के अंदर, वो 2D था, यानी आप एक्स एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग से मूव कर सकते थे, लेकिन ये 3D डायमेंशन इसमें एक्स वाई और जी, यानी आप इसे चारों तरफ तकरीबन घुमा सकते हैं, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। और इसके अलावा शोल्डर जॉइंट्स के साथ साथ हिप जॉइंट भी इसकी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, हिप जॉइंट जो कि शोल्डर जॉइंट कहाँ पे होता है पेक्टोरल गर्डल के अंदर, हिप जॉइंट कहाँ पे होता है पेल्विक गर्डल के अंदर, सही, और इसी तरह जो नी जॉइंट्स था वो हाइंड लिम्ब में होता है और एल्बो जॉइंट्स फोर लिम्ब में बाजुओं में होता है और ये टांगों में होता है, सही, सो ये तो हो गए हमारे जॉइंट्स भी कवर, सो रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या स्टडी किया, सो हमने स्टार्ट किया था स्केलेटन से, स्केलेटन को हमने शुरू में थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया था, मसलन हमने कहा ह्यूमन स्केलेटन है इसमें अपेंडिकुलर होता है एक्सियल होता है, सो आज हमारा जो कंसर्न था वो एक्सियल स्केलेटन के साथ था, और एक्सियल स्केलेटन में हमने कहा जी के जिस तरह सॉरी कंसर्न एक्सियल स्केलेटन नहीं था हमारा, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन था, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, सो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या आया था, इसमें हमने पेक्टोरल गर्डल फोर लिम्ब्स हैंड पेल्विक गर्डल हाइंड लिम्ब और फुट के बारे में स्टडीज की, और फिर हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिया प्रोक्सिमल और डिस्टल का, मसलन जो
सेंटर के करीब चीज लोकेट करेगी वो प्रॉक्सिमल होगी, और जो दूर चीज होगी मसलन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी वो उसे हम डिस्टल कहेंगे। सही। फिर हमने एक और एग्जांपल ली एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसके अंदर हमें वाजे नजर आ रहा है फर्क। और फिर हम नीचे आए, हमने पेक्टोरल गर्ड से स्टार्ट लिया, हमने शुरू में कहा जी कि इसके अंदर क्लाविकल होती है, स्कैपुला प्लस सुप्रा स्कैपुला, ह्यूमरस होती है, फिर नीचे रेडियस अल्ना और हैंड का स्ट्रक्चर होता है। सही। और इसके अंदर दो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट किसकी एग्जाम्पल में आ गए, अभी हमने पढ़ा है कि बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। और ये जो एल्बो ज्वाइंट है ये किसकी एग्जाम्पल में आया है, हिंज ज्वाइंट की एग्जाम्पल में आ गए। सही। और फिर नीचे हैंड्स मौजूद है। सो हैंड का स्ट्रक्चर देखा हमने, इसमें सबसे पहले ये रिस्ट बोन्स होती हैं 8, जिसे कार्पल्स कहा गया, फिर मेटा कार्पल्स और 14 फ्लैंजेस होती हैं। और फिर नीचे हम आ गए पेल्विक गर्डल्स के अंदर। पेल्विक गर्डल के अंदर जो पेल्विक बोन थी ये फ्यूज्ड बोन है, ठीक है, दो कागजस बोन्स के जरिए बनती है, और कागजस बोन इटसेल्फ तीन बोन्स की फ्यूजन के साथ बनते हैं, इसमें इलियम, प्यूबिक और इस्कियम आते हैं। सही। और ये आपको बीच में से आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, मसलन ये एक ये लेफ्ट साइड वाली, सॉरी ये राइट साइड वाली कॉक्सल बोन हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड वाली कॉक्सल बोन। और नीचे हम आगे हमने फुट का स्ट्रक्चर देखा, इसके अलावा हाइंड लिम स्टडी की, जिसके अंदर फीमर, टिबिया और फिबुला था, और फीमर जो है पेल्विक गर्डल के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा था, और जबकि टिबिया फिबुला मिलके फीमर के साथ जो है वो हिंज जॉइंट बनाते हैं। सो ये जॉइंट्स, फिर हमने जॉइंट्स पे आगे मसलन जॉइंट्स क्या है कि जहाँ पे व्हेन बोन्स मीट जॉइंट इज फॉर्म, जहाँ पे बोन्स आपस में मिलेंगी वहाँ पे जॉइंट बनेगा। क्लासिफिकेशन देखिए मूवमेंट के हिसाब से तीन किस्म के थे, इमूवेबल लाइक स्कल, स्लाइटली मूवेबल लाइक वर्टिब्रल कॉलम, फ्रीली मूवेबल लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, या सनोवियल जॉइंट्स भी कह सकते हैं एक किस्म के। फिर हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा तो इसमें फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, दिस वन फाइब्रस जॉइंट, फिर सनोवियल जॉइंट एंड कार्टिलेजनस जॉइंट्स, तो तीन क्लासिफिकेशन हुई हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से। और फाइब्रस इमूवेबल कैटेगरी में आते हैं, सनोवियल जो है फ्रीली मूवेबल, कार्टिलेजनस जो है स्लाइटली मूवेबल के अंदर आते हैं। और एग्जाम्पल भी देखे हमने, फाइब्रस जो है वो स्कल के अंदर, सनोवियल आपको बॉल एंड सॉकेट लाइक शोल्डर जॉइंट इसकी एग्जाम्पल, कार्टिलेजनस जॉइंट जो है एक तो ये जो प्यूबिक आर्च होती है इसके अंदर कार्टिलेजनस जॉइंट बनता है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी कार्टिलेजनस जॉइंट देखा जाता है। फिर हम जॉइंट्स की सिनोवियल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में आए, उसमें दो जॉइंट्स हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आएगा। फिर हिंज जॉइंट की एग्जांपल ली हमने नी जॉइंट्स की और एल्बो जॉइंट्स की, और फिर उनका हमने स्टडी किया, और लास्ट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया। सही। सो ये आज हमारा ह्यूमन स्केलेटन कवर होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफॉर्मिटीज देखेंगे कि किस तरह ह्यूमन स्केलेटन डिजीज होता है, ह्यूमन स्केलेटन की डिजीज स्टडी करेंगे।